दोस्तों, ऐसे बहुत से सवाल हैं जो एक फ्रेशर के दिमाग में हर रोज चलता है इंटर्नशिप को लेकर, चाहे वो एक बीटेक का स्टूडेंट हो या एक लीगल फील्ड का। इंटर्नशिप कैसे ढूंढे यार, मेरे पास तो कोई स्किल्स ही नहीं है, कैसे अप्लाई करूं? अप्लाई तो कर दिया लेकिन कुछ रिप्लाई आएगा कि नहीं? और रिसेंटली भी मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे यही सेम क्वेश्चन को लेकर मैसेज किया कि सर, इंटर्नशिप को कैसे अप्लाई करूं? ऐसा कोई रूट है जिसके थ्रू से आई कैन अप्लाई डायरेक्टली? तो इस टॉपिक को लेकर मैं आज अपने वीडियो में बात करूंगा कि हाउ टू गेट योर ड्रीम इंटर्नशिप एंड व्हाट आर द बेस्ट स्टेप्स टू अचीव इट। तो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रमोद राज शुक्ला और आज मैं आपको ऐसे पांच इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूं जिससे आप कंपनीज में जाकर ऑफ कैंपस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं एज अ फ्रेशर। और इसमें जो लास्ट वाला है वो मेरा पर्सनल फेवरेट है, तो इस वीडियो के एंड तक जरूर देखना। सो लेट्स रोल इनटू इट। दोस्तों, एक स्टूडेंट की लाइफ में इंटर्नशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि इट गिव्स देयर करियर ए हेड स्टार्ट और लॉन्ग रन में भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करियर ग्रोथ देता है। लेकिन एक इश्यू यहाँ पे यह है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम आज भी वही एक कन्वेंशनल मेथड पर चल रहा है। जो भी ट्रेनिंग स्किल्स हैं या जो मार्केट की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग कोर्स करिकुलम को अपग्रेड नहीं किया गया। जहाँ कॉर्पोरेट कल्चर के बारे में पढ़ाते तो जरूर हैं लेकिन उसको प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करना है ये नहीं सिखाते। इसी वजह से काफी सारे फ्रेशर्स को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं मिलता कि कैसे अपने करियर को शेप अप करें। तो सपोज करो अभी आपने इंटर्नशिप के लिए अपना माइंड मेकअप कर लिया लेकिन आगे का कुछ पता ही नहीं आपको, तो मैं आपको बोलूंगा इंटर्नशिप को अप्लाई करने से पहले कुछ बहुत ही इंफॉर्मेटिव फैक्टर्स हैं जिन्हें आपको फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहला आता है कि जस्ट बिकॉज आपको इंटर्नशिप चाहिए, कोई कंपनी आपको इंटर्नशिप क्यों दे? आप बोल सकते हैं कि क्योंकि आपको एक्सपीरियंस चाहिए, गुड। लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि जब भी कोई कंपनी किसी को इंटर्नशिप देती है, चाहे वो पेड हो चाहे वो अनपेड हो, कंपनी के लिए एक कॉस्ट इनकर्ड होता है। जैसे कि एक इंटर्न को डेस्क चाहिए होगा, लैपटॉप या कंप्यूटर चाहिए होगा, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा और मे बी अदर टूल्स एज वेल। एज ए फ्रेशर अपने आप को आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा कि आपका लेवल क्या है और आप क्या क्या सीख सकते हो। अगर आप आईटी में हो या नॉन आईटी में या किसी और फील्ड में हो तो आपको अपने स्किल सेट के अकॉर्डिंग आप अपने स्किल्स को शार्प करना होगा, वरना बेसिक नॉलेज में आपको इंटर्नशिप मिलना मुझे लगता है थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए एक प्रॉपर गोल सेट करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा, इसके साथ ही साथ अगर आपको अपनी ड्रीम कंपनी में इंटर्नशिप करना है तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आपको एक प्रॉपर और गुड और इन्फॉर्मेटिव रिसर्च करें उस कंपनी के बारे में। जैसे कि एक कंपनी कैसी है, उसका कल्चर क्या है। इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन मुझे ये लगता है कि टू कनेक्ट विथ योर फॉर्मर इंटर्न्स, उनसे जानो कि एक कंपनी कैसे काम करती है, उनके इंटर्नशिप एक्सपीरियंसेस क्या हैं, सो दैट यू विल हैव द बेसिक नॉलेज अबाउट इट। और वैसे भी हमारे पास इंटरनेट तो है ही, सो कंपनी के वेबसाइट पर जाओ और देखो वो कैसे काम कर रहे हैं। इसमें तीसरा पॉइंट आता है कि अपने स्किल्स को भी डेवलप करो, ये देखो कि आपके कौन से स्किल्स कंपनी के रिक्वायरमेंट से मैच करते हैं, क्योंकि एक स्किल्स का होना भी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूफ हो सकता है। मैं आपको ये भी सजेशन दूंगा कि कभी कभी आप गूगल में जाओ, फ्री प्रोजेक्ट्स उठाओ और देखो कि आप उस प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हो कि नहीं। कोई भी पर्टिकुलर स्किल, स्पेशली आईटी की बात करूंगा या फिर कॉन्टेंट राइटिंग की बात करूंगा, काफ़ी सारे फ्री प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं, उसको देख के डेवलप करो, उस पर काम करना स्टार्ट करो, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ मेरा लेवल क्या है। लेकिन परंतु ये तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट कि क्या करना है, बट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर इज विल यू बी एबल टू ग्रैब दैट ड्रीम इंटर्नशिप। सो हियर आर द फाइव मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स दैट कैन हेल्प यू इन अचीविंग इट। अगर आप फ्रेशर हैं और जैसे मैंने बताया कि आपके पास बहुत ही लीनियर नॉलेज है, तो आप डिफरेंट सर्टिफिकेशन स्किल्स भी गेन करना चाहिए क्योंकि बेसिक नॉलेज किसी भी कंपनी के लिए यूजफुल नहीं हो सकता। मैं आपको कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म बता सकता हूं जहां पे आप अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हो, डिफरेंट सर्टिफिकेशंस ले सकते हो। आपको एक बार सोचना पड़ेगा कि हर साल 95 लाख स्टूडेंट्स हर कॉलेज से निकलते हैं जिनके पास सारे के पास बेसिक नॉलेज है। आप कैसे डिफरेंट हो? अगर आप सर्टिफिकेशन अचीव कर लेते हो, आप जावा का सर्टिफिकेशन लेते हो या फिर किसी कॉन्टेंट क्रिएटर का सर्टिफिकेशन लेते हो या किसी भी फील्ड का आप सर्टिफिकेशन लेते हो, तो वो आपको एक्स्ट्रा एज देगा इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर, ऑफ कैंपस हो चाहे वो कैंपस हो। सो आप वेबसाइट लाइक कोर्सेरा, यूडीमी, स्किल शेयर, लिंक्डइन लर्निंग, ईडीएक्स
आपके स्किल्स एनहांसमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। आपको यहां से सर्टिफिकेशन लेना चाहिए, चाहे वो फ्री हो चाहे वो आपको कुछ अमाउंट आपको पे करना पड़े, मेरे हिसाब से आपको सर्टिफिकेशन जरूर लेना चाहिए। लेकिन अब एक क्वेश्चन दिमाग में आता होगा कि सर्टिफिकेशन तो अर्न कर लिया पर उसको एक प्रॉपर वे में मेंटेन कैसे करें, तो उसका आंसर हमारे नेक्स्ट टिप पे आपको मिलेगा। इसका आंसर है पोर्टफोलियो। अब आप पूछेंगे व्हाट इज पोर्टफोलियो एंड व्हाट इज द यूज ऑफ इट, तो इसका आंसर भी बहुत ही सिंपल है। जितने भी प्रोजेक्ट्स आप कॉलेज में करते हो और जो भी सर्टिफिकेशन स्किल्स आपने गेन किए हैं और उसके साथ जो स्किल्स पहले से आपके पास है, उन सब का क्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो में। उस पे आप ये भी बताओगे कि कैसे आपने रिसर्च किया है, क्या क्या रिसर्च मेथोलॉजी आपने यूज की है, उसको प्रोवाइड करो कि सारे प्रोजेक्ट्स आपने कैसे बनाए हैं, आपका अप्रोच कैसा था, आपका आपका क्या रोल था उस प्रोजेक्ट में। सो दैट बीइंग ए फ्रेशर ए कंपनी विल नो हाउ मच नॉलेज यू हैव गेन सो फार। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक पोर्टफोलियो आपका बनाना। ठीक है, तो अभी आपने अपना पोर्टफोलियो भी बना लिया, लेकिन किसको भेजना है, कहां भेजना है, एक के बाद एक सवाल आते होंगे आपके दिमाग में, है ना? इसका सिंपल आंसर है कोल्ड ईमेलिंग। यह एक ऐसा तरीका है जिसमें आप ऐसे पर्सन को ईमेल करोगे जिसको आप जानते भी नहीं हो। साउंड्स ऑकवर्ड राइट? लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा करना गलत बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, मेल को बहुत ही डेस्परेट वे में लिखोगे देन इट कुड साउंड वेरी ऑकवर्ड, क्योंकि एक बैड फॉर्मेट में लिखा हुआ ईमेल won't take you anywhere. इसलिए जब कोल्ड ईमेल करो then you should know that कि आपका ईमेल एक completely researched and personalized way में लिखा जाना चाहिए, जिसपे आप अपना इंटर्नशिप करने का इंटेंशन भी रख रहे हैं और वैल्यूबल होने का एविडेंस भी दे रहे हैं। मैं आई एम श्योर कि आपके दिमाग में यह भी होगा कि ये ईमेल आईडी कहां से निकाले, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लिंक्डइन में अपना प्रोफाइल बनाइए, वहां सबको सेंड रिक्वेस्ट भेजिए, जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं वहां से आपको ईमेल आईडी मिल जाएगी, फिर अपना कॉन्वर्सेशन आप ईमेल में स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको ये भी बता देता हूं कि कैसे कोल्ड ईमेल लिखते हैं। आपका सब्जेक्ट लाइन बहुत ही कैची और यूनिक होना चाहिए, जो एक अटेंशन दे किसी भी कंपनी के रिसीवर को कि वो ईमेल क्यों ओपन करे आपका। मैं अपना एग्जांपल लेता हूं कि मेरे पास काफी ईमेल्स आती हैं। लास्ट वीडियो में जब मैंने बोला था कि मैं एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना चाहता हूं, काफी लोगों ने ईमेल भेजा, थैंक यू सो मच फॉर दैट, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे ईमेल मैंने मिस कर दिया। रीजन बहुत ही सिंपल था कि उस ईमेल में सब्जेक्ट लाइन में कुछ भी मेंशन नहीं था, मैं कैसे ओपन कर सकता हूं। इट वॉज सो डिफिकल्ट फॉर मी। काफी सारे रिस्पॉन्स फिर से वापस आए कि सर आपने ईमेल चेक नहीं किया। तो अगर जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं आप दोबारा भेजिएगा, मेक श्योर करिएगा कि आप सब्जेक्ट लाइन में मेंशन करें कि आप अपना रिज्यूमे क्यों भेज रहे हैं, राइट? सेकंड पॉइंट, हाउ यू शुड एड्रेस इट। आप जिनको भी ईमेल लिख रहे हो मेक श्योर करो उनको आप एड्रेस करो। टेक एन एग्जांपल, आप क्रिएटिविटी को ईमेल भेज रहे हो तो मेंशन करो टू क्रिएटिविटी, टू एचआर ऑफ क्रिएटिविटी, कुछ ना कुछ मेंशन करना पड़ेगा। रैंडमली बिना कोई एड्रेस किए किसी को आप ईमेल भेज रहे हो, इट्स नॉट वेरी प्रोफेशनल। यू डोंट हैव टू बी वेरी कैजुअल और too much professional while writing this. For example, आप लिख सकते हो Dear Pramod Shukla या Dear HR of Creativity Technologies, जो कि बहुत ही prominent लगेगा, बहुत ही professional दिखेगा। अब आता है बहुत ही important part, body of the email. You need to be to the point. उसमें आपको ये include करना पड़ेगा कि आप internship क्यों करना चाहते हो, आपके पास क्या skills हैं, आप कितना जानते हो उस company के बारे में। Most of the times ऐसा होता है कि आप बिना कोई जॉब डिस्क्रिप्शन देखे आप सिंपल ईमेल भेज रहे हो। जब मैं कॉल बैक करता हूं कि भाई ये जॉब प्रोफाइल है, ये जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, नहीं सर आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं नाइट शिफ्ट रेडी नहीं हूं, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप किसी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो प्रॉपर जॉब डिस्क्रिप्शन चेक करो कि ये मेरे स्किल सेट से अलाइन है कि नहीं है, जिससे सामने वाले को आपका इंटेंशन पता लगेगा कि आप इंटर्नशिप के लिए फिट हो या नहीं हो। तो ऐसे स्टेप्स आपको कोल्ड ईमेलिंग में फॉलो करना होगा जिससे आपका ईमेल एक करेक्ट इंप्रेशन देगा। बट आप सिर्फ कोल्ड ईमेल करके मत बैठ जाना मेरे दोस्तों, रादर गो फॉर दी ऑल्टरनेटिव्स। सो अभी अगर ऑल्टरनेटिव्स की बात की है देन द बेस्ट वन इज टू गो फॉर इंटर्नशिप पोर्टल्स एंड ऑल्सो लेट मी प्रोवाइड यू सम गुड इंटर्नशिप पोर्टल्स, जैसे कि लिंक्डइन, हेलो इंटर्न, इंटर्नशाला,
AICTE इंटर्नशिप पोर्टल, मेक इंटर्न, ये कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनके हेल्प से आप एज ए फ्रेशर और मिड लेवल स्टूडेंट अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इंटर्नशिप ढूंढ सकते हो। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है दोस्तों, बस पोर्टल पे जाओ, सर्च बटन पे अपने रिक्वायर्ड कंपनी का नाम को सर्च करो, देन आपके सामने फ्लैश होगी वो सारी कंपनीज जो आप जैसे किसी इंटर्न के सर्च में होगी। लेकिन अगर कंपनीज आपकी रिक्वायरमेंट से मैच नहीं करती तो फिर क्या करोगे? देन वॉट? इन दैट केस यू कैन गो फॉर फिल्टरिंग आउट द ऑप्शन एज वेल, जहां पे लोकेशन, साइज, स्किल्स, इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग आप अपने प्रेफरेंसेस देख के राइट कंपनी फाइंड आउट कर सकते हो। और हाँ, एक बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अगर आपको कोई इंटर्नशिप के लिए अप्रूवल मिल जाता है किसी भी कंपनी से और वो कंपनी आपसे बोलती है कि आपको थोड़े पैसे देने होंगे इस इंटर्नशिप के लिए, देन डू नॉट गो फॉर दोज कंपनीज, इट्स ए स्कैम, कीप इन योर माइंड। इंटर्नशिप के लिए आपसे कोई कंपनी पैसे नहीं मांग सकती, राइट? सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? गो नाउ एंड एक्सप्लोर। अरे सच में चले गए? अरे भाई मेरा लास्ट फेवरेट पॉइंट तो सुनते जाओ। दोस्तों मैं खुद एक फाउंडर हूं और जो फाउंडर्स होते हैं कंपनी के वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऑनलाइन रहते हैं, सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव होते हैं, स्पेशली लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पे। कभी कुछ इन्फॉर्मेटिव पोस्ट करना, कभी अपने किसी अपकमिंग प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कुछ कॉन्टेंट पोस्ट करना और वगैरह वगैरह। सो इंडल्जिंग विद दोस कॉन्टेंट कैन ऑल्सो बी अ ब्रेक थ्रू फॉर गेटिंग एन इंटर्नशिप इन दैट पर्टिकुलर कंपनी, क्योंकि जो फाउंडर्स होते हैं वो हमेशा अपने कमेंट सेक्शन में कोई ना कोई वैल्यूएबल कमेंट ढूंढते ही हैं, जिनको ये समझने में हेल्प मिलता है कि कौन सा पर्सन क्या सोचता है और कितना डिटेल में सोचता है। फॉर एग्जाम्पल, एक फाउंडर ने अपनी कंपनी के अपकमिंग प्रोजेक्ट को लेकर कुछ पोस्ट किया और आपने उस पोस्ट को देखा और आउट ऑफ क्यूरियोसिटी होके आपने एक वैल्यूएबल फीडबैक और सपोर्टिव कंटेंट वहां पे दिया, कमेंट किया वहां पे, देन आई गारंटी यू दैट यू कैन कैच देयर अटेंशन विद द ब्लिंक ऑफ एन आई। बट ये प्रोसेस कंसिस्टेंट प्रोसेस है, आपको कंसिस्टेंटली वहां पर डालना पड़ेगा बार बार। ऐसा नहीं कि आप एक प्रोजेक्ट में गए, आपने कमेंट किया और आपको कोई कॉल आया, चांसेस है 50-50। क्योंकि जितना आप वहां पे एंगेज रखोगे अपने आप को, उतने ही उस फाउंडर को आपका अटेंशन मिलेगा एंड दे विल डिस्कस द सेम थिंग विद यू इन द फ्यूचर, और मे बी दे माइट कॉन्टैक्ट यू फॉर एनी अपॉर्चुनिटी। एंड दिस इज एक्चुअली ए प्रूवन प्रोसेस, मैं ऐसा इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि आज तक जितने भी इंटर्न्स मेरे पास आए हैं या एम्प्लॉयज आए हैं, उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो इस प्रोसेस के थ्रू ही आए थे। हाँ, ये एक बात सच है कि बहुत सारे फाउंडर्स आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, आपको वैल्यू नहीं देंगे, बहुत बहुत ही ऐसे एरोगेंट मिल जाएंगे आपको, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उस पर फोकस नहीं करेंगे, हम उन पर फोकस करेंगे जो आपके कॉमेंट्स को बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं। और हाँ, ये याद रखना, जितना आप ओपन और पॉजिटिवली स्टेटमेंट दोगे उतना ही आप लाइमलाइट में आओगे। सो गाइज, दीज आर द 5 इंपॉर्टेंट टिप्स जिसको एज अ फ्रेशर अगर आप फॉलो करोगे तो आई प्रॉमिस यू गाइज कि आपको अपनी ड्रीम इंटर्नशिप लेने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, IT, non-IT, whatsoever, राइट? प्लीज कीप ट्राइंग। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को आज यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप कि आपको एनफ नॉलेज मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो नॉलेज मिली होगी, प्लीज़ लाइक बटन पे क्लिक कर दो और अपने थॉट्स को कमेंट सेक्शन में जरूर डालो, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप मुझे बताओ कि आप और क्या सीखना चाहते हो, मैं किस पे वीडियो बनाऊं, मैं हमेशा आपके लिए रेडी हूँ। चलिए, तब तक के लिए बड़ों का नमस्कार, छोटों का प्यार।